और चलिए शुरुआत करेंगे किश्तवाड़ से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां एक मकान में संदिग्ध धमाका सुनाई दिया है। एक युवक की इसमें मौत हो गई है, एक जख्मी बताया जा रहा है। घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। धमाका किस वजह से हुआ, ये कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसकी अहम खबर किश्तवाड़ से आपको दे रहे हैं, जहां एक मकान में एक धमाका हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में ये धमाका हुआ है। इस धमाके में एक युवक की जान चली गई है, एक युवक जख्मी बताया जा रहा है जिला अस्पताल में, जिसे इलाज के लिए रेफर किया गया है। कुछ तस्वीरें भी मौके से सामने आई हैं। किश्तवाड़ में ये मकान था जहां पर ये संदिग्ध धमाका हुआ है। अब ये धमाका किस वजह से हुआ है, ये कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। छानबीन की जा रही है। एक युवक की इसमें मौत की खबर है, एक जख्मी बताया जा रहा है। जख्मी का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। और धमाका क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है। किश्तवाड़ में ये मकान था जिसमें अचानक धमाका हुआ। लकड़ी का ये पुराना मकान नजर आ रहा है। तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं, जहां इस मकान में अचानक धमाका हुआ है। और इस धमाके में एक युवक की जान चली गई है, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। इलाज के लिए उसे अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको किश्तवाड़ से दे रहे हैं। मौके से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। धमाके का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं, छानबीन की जा रही है। सुरक्षा जवानों को भी वहां पर बुलाया गया है। पूरे इलाके की तलाशी भी ली जा रही है, मकान की तलाशी भी ली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये धमाका हुआ, काफी संदिग्ध इसे माना जा रहा है। एक युवक की इस धमाके में जान गई है, दूसरा युवक जख्मी हुआ है। इलाज के लिए अस्पताल उसे रेफर किया गया है। धमाका क्यों हुआ, किसी लापरवाही की वजह से हुआ या ये सुनियोजित था, ये तमाम पहलू हैं। इनके मद्देनजर जांच की जाएगी, छानबीन की जाएगी। आखिर इस मकान में इस तरीके से संदिग्ध धमाका क्यों हुआ, जिसमें एक युवक की जान चली गई है, एक युवक जख्मी है। इलाज के लिए उस युवक को अस्पताल में रेफर किया गया है। फिलहाल मौके पर लोग इकट्ठा हो गए हैं, छानबीन पूरे इलाके की भी की जा रही है। और आतिफ का रुख करेंगे, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। आतिफ, मौके से क्या ताजा अपडेट्स मिल पाए हैं? आतिफ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या ताजा तरीन अपडेट्स मौके से मिल पाए हैं? चलिए आतिफ से संपर्क करने की कोशिशें लगातार जारी है, मौके से वो हमें अपडेट्स देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, किश्तवाड़ से ये बड़ी खबर है। आतिफ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आतिफ, क्या अपडेट्स हैं पूरे मौके पर? जी देखिए, ये कुछ देर पहले ही, ये जिला किश्तवाड़ के दूरदराज एरिया है, छात्रों कुछाल संबोल गांव है। यहां पर कुछ देर पहले एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी गई। उसके बाद फौरी तौर पर यहां के जो जितने भी मुकामी लोग हैं, पुलिस हो, आर्मी हो, वो ऑन स्पॉट वहां पर पहुंची। जिस घर में ये ब्लास्ट हुआ, उस घर के मालिक का नाम मोहम्मद अब्बास नाइक है। और जिस समय ये ब्लास्ट हुआ, उस समय मोहम्मद अब्बास के दो लड़के वहां पर मौजूद थे, यासीन नाइक और शबीर नाइक। और शबीर नाइक की ऑन स्पॉट ही इस हादसे में मौत हुई, जबकि जो यासीन नाइक है उसे जिला हॉस्पिटल किश्तवाड़ रेफर कर दिया गया है। वो काफी सीरियस कंडीशन में है। ये वाकया कुछ देर पहले हुआ है। बताया जा रहा है कि ये दोनों भाई आज दिन को जंगल में गए थे गुच्छिया लाने। ये एक यहाँ पर छात्रों का दूरदराज एरिया है कुछाल, वहाँ पर ये जंगल में गुच्छे लाने गए थे। और जब ये वापस घर आए तो इन्हें वहाँ जंगल में एक सस्पेक्टेड राड मिली थी, और उस राड को ये अपने घर लाए। और जब ये अपने घर पहुँचे और उस राड के साथ इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, और अचानक से वहाँ पर ज़ोरदार धमाका हुआ। पहले यहाँ पर अफवाह ये चल रही थी कि सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन जो जो इसकी इन्वेस्टिगेशन सामने आई, उसके बाद SSP किश्तवाड़ से हमारी बात हुई, उनका यह कहना है कि ये सस्पेक्टेड राड मिलने के बाद जो है ये ब्लास्ट हुआ है, जिसमें यासीन जो शबीर है उसकी ऑन स्पॉट डेथ हुई है, और जो यासीन है उसका दूसरा भाई उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ रेफर कर दिया गया है। जी यास्मीन।
आतिफ, इसके अलावा जो भी वहां पर जांच अधिकारी मौजूद हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई? जो ये संदिग्ध रॉड उन्हें वहां पर मिली है, कहां से ये बरामद हुई और क्या उस रॉड को कब्जे में लेकर आगे की जांच पूरे मामले पर की जा रही है? जी, पुलिस की तरफ से इस सिलसिले में अभी और इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये राड जो है वहाँ पर कैसे पहुँची और किस तरह की ये राड थी। इस सिलसिले में हमारी एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल से अभी बात हुई थी। उनका कहना है कि इस सिलसिले में अभी और इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये राड वहाँ पर किस तरह पहुँची और किस तरह की ये राड थी। उसके बाद ही जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब ख़त्म करेगी और बाकी जो इसका जो रिजल्ट होगा वो सामने आएगा। जी जासमीन। ठीक है आतिफ, आप नजर बना के रखिए क्योंकि गहन जांच का विषय है। जिस तरीके से दो बच्चे जंगल में जाते हैं और वहां पर संदिग्ध रॉड उन्हें मिलती है, वो घर लाते हैं, एक्सपेरिमेंट उससे करते हैं और धमाका हो जाता है और इतना तेज धमाका होता है कि एक बच्चे की उसमें जान तक चली जाती है, दूसरा बच्चा गंभीर रूप से जख्मी है। आतिफ, उस पर भी आपसे हम अपडेट्स लेंगे, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों को अब जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने में बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू और कश्मीर के बाहर एक बड़ी कार्रवाई में एसआईए ने आज पंजाब के अमृतसर जिले में राम तीर्थ महल में एक टेरर फंडिंग करने वाले की संपत्ति को सीज किया है, जो नगरोटा में 15 लाख रुपए की हवाला राशि की जब्ती में वॉन्टेड था। एसआईए ने पंजाब पुलिस की मदद से जिस टेरर फाइनेंसर की संपत्ति कुर्क की है, उसकी पहचान अमरबीर सिंह उर्फ गोपी महल के रूप में हुई है, जो पंजाब के अमृतसर जिले के राम तीर्थ महल स्थित बाबा दर्शन सिंह एनक्लेव का निवासी है। ये जम्मू कश्मीर के बाहर एसआईए की प्रमुख कार्रवाइयों में से एक है क्योंकि इसने अमृतसर में अमरबीर सिंह की अचल संपत्ति कुर्क की है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में किसान संपर्क अभियान को लॉन्च किया। उन्होंने समग्र कृषि के लिए दक्ष किसान और किसान साथी ऐप भी लॉन्च की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अगले 25 वर्षों में कृषि विकास के आधार के रूप में काम कर सके ऐसी एक नीति तैयार करने पर जोर दिया है। अपने संबोधन में मनोज सिन्हा ने कहा कि इस अभियान के दौरान किसानों को न केवल उत्पादन बल्कि उन बाजारों के बारे में भी अवगत कराने का प्रयास किया जाएगा जहाँ वो अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैं होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन अलाइड सेक्टर के 29 महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए युद्ध स्तर पर चलाए गए ट्रेनिंग सेशन के सफल समापन की सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग हमारे इस महाअभियान का फेज एक था और एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर के सभी अधिकारियों के लिए 641 ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए गए थे। 3 ट्रेनिंग सेशन यूटी स्तर पर, 58 डिविजनल लेवल पर तथा 580 ट्रेनिंग सेशन जिला स्तर पर आयोजित किए गए। सभी स्टेक होल्डर्स का एक दूसरे से बेहतरीन समन्वय और सीमलेस ट्रेनिंग प्रोग्राम सरकारी मशीनरी में आए नए आत्मविश्वास तथा एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर के लक्ष्यों के प्रति सभी के समर्पण और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। 2 साल पहले पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन अभियान में इसी दृष्टिकोण के साथ हमने आगे बढ़ने की शुरुआत की थी। कश्मीर घाटी जहां सिर्फ पैडी की फसल होती थी, वहां सभी स्टेक होल्डर्स के सस्टेन्ड एफर्ट से इस पीली क्रांति का जन्म हुआ और आपको जानकर खुशी होगी कि 1,40,000 हेक्टेयर जमीन में सरसों की खेती हुई है और इसका कल्टीवेशन एरिया पैडी के कल्टीवेशन से 15,000 हेक्टेयर ज्यादा है। ये एवरेस्ट छूने जैसी उपलब्धि है और पीली क्रांति से किसान भाइयों के घरों में आ रही समृद्धि ने खेती किसानी के प्रति एक नई चेतना पैदा की। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि संसार की सारी व्यवस्थाएं परिवर्तन की रही हैं और सभी नई व्यवस्थाएं दरअसल परिवर्तन की ही घटना होती हैं। जैसा अभी मेरे पूर्व मेहता जी ने बताया, डुल्लू साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि से
और उससे संबंधित एलाइड एक्टिविटीज से जुड़ी हुई है। किसानों की आय बढ़ाना, उन्हें अर्थव्यवस्था का इंजन बनाना, इस उद्देश्य से जुलाई में देश के कुछ कृषि वैज्ञानिकों को आमंत्रित करके अपने यहां के दोनों कुलपति, वाइस चांसलर और फैकल्टी, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर, इस समिति ने काम शुरू किया और गहन विचार मंथन के बाद ये 29 प्रोजेक्ट या 29 इंटरवेंशन इन लोगों ने तय किया। मुझे खुशी इस बात की है कि ये विजन नहीं है, ये मिशन है जिसे हम आने वाले 5 वर्ष में जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि भविष्य उन्मुख खेती, व्यापार से संबंधित ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए जो अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर और देश के परिवर्तन के नींव की तरह काम करेगी। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका रेडियो जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजौरी के काराकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रहेंगी नाकाम। और जम्मू कश्मीर में अगले महीने G20 की बैठक होनी है जिसकी तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। इसी सिलसिले में सरकार ने अब स्मार्ट बंकर बनाने का फैसला लिया है। सड़कों पर बने बंकरों को नया रूप दिया जाएगा और अगले महीने G20 की बैठक से पहले मरम्मत का काम होगा। इन स्मार्ट बंकरों का निर्माण 44,44,000 की लागत से होगा। ये काम 20 एकड़ में पूरा किया जाएगा। जम्मू में शांति और पुनर्निर्माण, युद्ध रहित युग की शुरुआत, समारोह का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी भी नार्को आतंकवाद जिंदा है और यहां स्थायी शांति स्थापित करने के लिए विचार करने की आवश्यकता है। Jammu has been transformed into India's education hub. It houses all the premier institutions like IIM, IIT, AIIMS, IIMC and Central University. The city has certain energy fields, certain mysticism and a very rich spiritual heritage. I am truly delighted to see the theme selected for Y20 consultation in Jammu, peace building and reconciliation, ushering an era of no war. And 3 sub-themes: 1, facilitating global consensus on conflict prevention and peace building, regulating non-state actors through concerned efforts, and empowering youth for their active role in peace building. And I am sure the deliberation on these topics will generate fresh ideas, assist in future policy making and shape the discussions across the world. अगस्त 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए जम्मू कश्मीर का उदय हो रहा है। इस नए जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स युवा हैं जो विकास को नई दिशा प्रदान कर सकेंगे। और अगर मैं आंकड़े बताऊं तो प्रतिदिन 580 यूथ इंटरप्रेन्योर था जम्मू कश्मीर में बन रहे, 580 इंटरप्रेन्योर डेली, हर दूसरे दिन एक स्टार्टअप यहां रजिस्टर हो रहा। पहला FDI भी जम्मू कश्मीर की धरातल पर उतरा है। सही मायने में
पेपरलेस फेसलेस पब्लिक सर्विस डिलीवरी स्थापित करके डिजिटल एम्पावरमेंट तथा मिनिमम गवर्नमेंट की दिशा में भी हमने अच्छी प्रगति की है। बापू ने कभी कहा था कि हिंसा को प्रतिहिंसा से समाप्त नहीं किया जा सकता है, मानव जाति को केवल अहिंसा के द्वारा ही हिंसा से मुक्ति मिल सकती है। मैं वायुपंथी के इस महत्वपूर्ण मंच से युवाओं का आह्वान करूंगा कि आपको व्यक्ति एवं देशों के बीच शांति, सामंजस्य, सहअस्तित्व, समझदारी, विश्वास एवं सहयोग बनाए रखकर सच्ची पारस्परिक निर्भरता और आपसी सम्मान पर आधारित वैश्विक समाज का निर्माण करना है। आपका हर कदम देश की डेस्टिनी भी तय करेगा और आप सभी की सामूहिक ताकत से ही देश नई तरक्की करेगा, नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। यह सर्वमान्य तथ्य है कि पीस बिल्डिंग और पीस कीपिंग में भारत का योगदान विश्व मानव कल्याण की प्रतिबद्धता का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भारत दुनिया के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में आज शामिल है। 1950 से लेकर आज तक भारतीय सैनिकों ने अलग अलग देशों में 49 पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लिए हैं। लेकिन यह भी सच है कि भारत को कई दशकों तक पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को भी झेलना पड़ा है। अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ देखेंगे तो पहले अनुच्छेद 370 की वजह से एक व्यवस्था ऐसी थी जो भेदभाव निर्मित करती थी, बाद में आतंकवाद की वजह से 45,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लाखों लोग अपनी मिट्टी अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हो गए। एक ऐसा टेरर इकोसिस्टम हावी था जिसने समाज के मनोबल को तोड़ने का काम किया। कई दशकों तक यहां समाज की आकांक्षाओं का गला घोंटा गया। आज भी नार्को टेररिज्म के माध्यम से समाज की ऊर्जा और खासतौर से युवाओं की ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप मिल बैठकर चर्चा आज करने वाले हैं, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अनेक नए रास्ते नए सुझाव पर आप चर्चा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो दिनों के बाद कोरोना के नए मामलों में आज तेजी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में 10,542 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 8,175 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मामले 63,562 हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जो एक्टिव संख्या है वो 63,000 के पार पहुंच गई है और लगातार इसी तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं। दो दिन बाद फिर से 10,000 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर इन सब की हम रिपोर्ट की बात करें तो सोमवार को ये डेटा बता रहा था कि XBB 1.16.1 के 436 मामले मिले हैं और वहीं XBB 1.16 के 2,500 से मामले जो हैं वो ज्यादा देखे गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है वो ये है कि XBB वेरिएंट के चलते मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए अब लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, ज्यादा से ज्यादा मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अब बचाव बहुत जरूरी है। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, News 18 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में कश्मीर यूनिवर्सिटी गेट के सर सैयद गेट के सामने स्थित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई थी। आग से परिसर से सटे मकान, दुकानें और व्यवसाय बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। आग की इस घटना में करीब आधा दर्जन रिहायशी मकान जलकर राख हो गए। अपने घरों के उजड़ने से प्रभावित परिवार रमजान के इस मुबारक महीने में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। पेश है शबीर मीर की ये खास रिपोर्ट। हजरत बल की इस बस्ती में आज हर तरफ जले हुए सामान के ढेर नजर आ रहे हैं। कल वक्त कॉम्प्लेक्स में जो ही आग नमूदार हुई उसकी लपेट में ये 6 घर भी आ गए। कल तक जो लोग दूसरों की मदद किया करते थे वो आज खुद मदद के तलबगार बन गए हैं। बाहर से देखें तो बाजाहिर सिर्फ खाली छत जली नजर आती है, लेकिन अंदर जाकर ये पता चलता है
कि नुकसान कितना बड़ा हुआ है। एक तो ईद से ठीक पहले ये गम, उस पर बारिश, इन सितम ज़दा लोगों का जीना दूभर हो गया है। نشین کرم یہ کی تمس مطلب وری ویب اسم سن پیوت پان اسمس تھوم رس رس پینتی پینتی انت وردن اسمس تھوم انت سوری گو تھی مزہ یہ یت سم پلو تہن تھی وردن سن پیوت تیس گو ٹونگر یہ ٹرنکن مزہ مین رود نا کہین خطر نا رود پانس پلو زٹ یس بیس پلو زچ تم لگ ہم ستر گوم سرس ات رودم نا کہین شرین چھم نا زٹ یہ مے نل لکن بس یہ بیم نہیں نظبن خاندار وقف بورڈ نے آگ کی واردات کی جانچ کا حکم دے دیا ہے، لیکن فی الحال ان لوگوں کی مدد کے لیے کوئی سامنے نہیں آیا ہے۔ کل تک جو جائیداد تھی وہ آج خاک ہے، اور جو لوگ عید کی امید کر رہے تھے، خوشی کی امید کر رہے تھے، ان میں سے یہ گھر، ان کی امیدیں اب ڈوب گئی ہیں، کیونکہ آگ نے پورا ان کی جو پوری جائیداد ہے وہ تباہ کر دی۔ یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے آج کی تاریخ میں جن کے اوپر چھت نہیں ہے۔ یہ جو شخص ہے بشیر احمد اس کا نام ہے، یہ بول نہیں سکتا۔ کل جب ہم یہاں پہ تھے یہ کسی کو آواز نہیں دے پاتا تھا، لیکن اکیلے دوڑ دوڑ کے کہیں سے پانی جگ میں تو کہیں بالٹی میں لا کے اپنے گھر کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فیروز وانی کے ساتھ شبیر احمد، نیوز 18، سری نگر۔ آگے بڑھیں گے، ہماچل پردیش کی خبروں کا رخ بھی کریں گے، جہاں گرین دھرمشالہ کی تیاری، کل سے وہاں پر ایچ آر ٹی سی کی الیکٹرانک بسیں چلائی جائیں گی۔ دوپہر 12 بجے سی ایم سکھو ہری جھنڈی دکھا کر انہیں روانہ کریں گے۔ تیاریوں کے لیے بس اسٹینڈ کو فی الحال آج کے لیے بند کر دیا گیا ہے، کسی بھی طرح سے بسوں کی آواجاہی وہاں سے نہیں ہوگی۔ ٹرک اسٹینڈ سے ہی روزانہ کی روٹوں والی بسوں کا آواگمن ہو رہا ہے، اور کارکرم کے بعد پرانی بسیں واپس بس اسٹینڈ پہنچا دی جائیں گی۔ چلیں گی کانگڑا کی تمام جنتا کو بہت بہت بدھائی۔ سر، ایچ آر ٹی سی کو کیونکہ ہماچل پردیش کی جنتا کی لائف لائن مانا جاتا ہے، اور یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑی سوغات آپ اس وقت جنتا کو دینے جا رہے ہیں، اس کا سکسیس ریٹ یہاں پر کیا رہا سر الیکٹرک بسز کا، اور نکٹ بھوشیہ میں کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی جو ہماری 75 الیکٹریکل بسز چل رہی ہیں، جن روٹس کے لیے وہ چلائی جا رہی ہیں ان روٹس میں وہ بالکل سفل ہیں، اور جو ہمارے جو آپریشنس کا خرچہ ہے وہ بھی تقریباً آدھا ہے۔ ڈرائیور کنڈکٹر کی تنخواہ بھی ہم مان لیں تو ہمارا ان ڈیزل بسیز کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً 57 روپیز کے آس پاس آتا ہے، اور الیکٹریکل بسیز چلانے کا خرچہ جو ہے وہ 33 روپیز کے آس پاس آتا ہے۔ تو بچت ایچ آر ٹی سی کو ہونے والی ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک کلین اینڈ گرین انوائرمنٹ کی جو فیل ہے وہ یہ بسیز دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ بلٹن میں فی الحال کے لیے بس اتنا ہی، لیکن جموں کشمیر، لداخ، ہماچل کی اہم خبروں کے لیے آپ جڑے رہیں نیوز 18 جے کے ایل ایچ کے ساتھ۔ وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے اس پار بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔